दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं दुनिया के पांच ऐसे पौधों के बारे में जिन्हें देखकर आप भी एकदम चौंक उठेंगे। इसीलिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना क्योंकि ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। वेनस फ्लाईट्रैप। दोस्तों ये एक शिकारी पौधा है जो अमेरिका के पूर्वी तट में और उत्तर दक्षिण कैरोलिन में पाया जाता है। इसके पत्ते दो भागों में बटा होता है और दोनों के सेंटर में एक ट्रैप होता है। ये शिकार पौधा देखने में बहुत खूबसूरत होता है पर हर किसी के लिए नहीं, खास करके कीड़ा मकोड़े के लिए तो बिल्कुल नहीं। यदि इसके पत्ते पर कोई कीड़ा मकड़ा बैठता है ना तो ये तुरंत ही उसको पकड़ लेता है और अंदर खींच लेता है, इसीलिए तो इसको शिकार पौधा कहते हैं। रेफलेसिया। रेफलेसिया फ्लावर दुनिया में मौजूद सबसे बड़ा, सबसे वजनदार और सबसे बदबूदार फूलों में से एक है। ये फ्लावर आमतौर पर मलेशिया और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। इन दोनों देशों के अलावा ये फूल फिलीपींस में भी पाया जाता है। रेफलेसिया पौधे के फूल दुनिया में मौजूद लगभग सभी फूलों में से बड़ा होता है। ये एक परजीवी पौधा है, इसमें पत्ते और तने नहीं होता। ये एक ऐसा पौधा है जिसका मात्र फूल जमीन के बाहर दिखाई देता है, बाकी का हिस्सा जमीन के अंदर ही होता है। डॉल्स आइस प्लांट। दोस्तों ये पौधा डॉल्स की आंखों की तरह दिखती है जिसकी वजह से इसका नाम डॉल्स आइस प्लांट रखा गया है। ये पौधा अमेरिका और कनाडा में पाया जाता है। ये पौधा लगभग 3 फीट तक बढ़ता है और इसका फल बहुत ही जहरीले होते हैं जो हमको मौत की नींद सुला सकता है, पर कई सारे पक्षी इसके फल को बिना किसी परेशानी के हजम कर सकता है। ब्लीडिंग टूथ फंगस। दोस्तों ये पौधा देखने में ही बहुत ज्यादा घटिया और सबसे विचित्र दिखता है। इसको देखने में ऐसा लगता है कि किसी के दांत से खून बह रहा हो, इसी वजह से इसका नाम ब्लीडिंग टूथ फंगस रखा गया है। ऐसे तो ये पौधा जहरीले नहीं होता पर बहुत ही ज्यादा कड़वा होता है। इसके पौधे उत्तर अमेरिका, ईरान, दक्षिण कोरिया और यूरोप में पाया जाता है। द क्रॉस फ्लावर। दोस्तों ये फूल इंडोनेशिया के सुमात्रा द्वीप में पाया जाता है जो 7 से 10 सालों में सिर्फ कुछ घंटे के लिए खिलता है, पर ये फूल जब खिलता है ना तब इसको देखकर सारे लोग चौंकित हो जाता है क्योंकि यह तकरीबन 8 से 10 मीटर लंबा और काफी सुंदर होता है। ये फूल सीधा जमीन के अंदर से निकलता है, न इसका कोई पौधा होता है और न ही कोई पेड़ होता है। दोस्तों ये कोई सुगंधित फूल नहीं है बल्कि ये एक बदबूदार फूल है, फिर भी लोग दूर दूर से देखने के लिए इसे आते हैं। तो दोस्तों आज का वीडियो बस इतना ही। अगर वीडियो का अच्छा लगा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलते हैं दूसरी वीडियो पे, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।